नमस्कार एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है पेश है उन्नीस मार्च शुक्रवार सुबह सवा आठ बजे जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें एम्स जोधपुर के सर्जिकल गैस्ट्रो विभाग में 21 साल की महिला की एक दुर्लभ पित्त की बीमारी का ऑपरेशन रोबोट के जरिए प्रदेश में पहली बार किया गया ये जटिल सर्जरी सिर्फ आठ मिमी के चार छोटे चीरे के माध्यम से की गई राजस्थान के करीब 40 लाख बच्चों को एक ही साल में दो कक्षाओं में जंप मिल गया खास बात यह है कि जो बच्चे इस बार पांचवे में प्रमोट हुए हैं उन्होंने चौथी कक्षा की परीक्षा भी नहीं दी थी ऐसे में इन बच्चों को तीसरी के बाद सीधे कक्षा छः की परीक्षा देंगे सेशन 2019-20 में कक्षा एक में प्रवेश लेने वाले बच्चे तो सीधे तीसरी कक्षा की परीक्षा देंगे इन बच्चों ने अपने जीवन में अब तक वार्षिक परीक्षा नहीं दी है ऐसी ही स्थिति कक्षा एक से पाँच के बीच के सभी बच्चों की है जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र कुम्हारिया का कुआ इलाके से सात साल के मासूम हिमांशु प्रजापत के आरोपी से चल रही पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी है आरोपी किशन गोपाल सोनी ऑनलाइन जुए में करीब पचास हजार रूपए की रकम हार गया था और की तंगी दूर करने के लिए उसने हिमांशु का अपहरण किया था नहरबंदी के कारण सिंचाई के लिए परेशान किसानों की सिंचाई की समस्या का गुरुवार को प्रकृति ने समाधान कर दिया कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश ने किसानों की कि सिंचाई की चिंता दूर कर दी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को बारिश ने किसानों के साथ साथ आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला दी अरावली पर्वत श्रृंखला के इस पार और उस पार दोनों तरफ हल्की फुहारों से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की उम्मीद बन गई है गुरुवार को ही मौसम विभाग ने एक चेतावनी भी जारी की थी जिसमें तेज हवाओं के साथ जयपुर अजमेर सीकर झुंझुनू दौसा अलवर करौली भरतपुर धौलपुर बीकानेर जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर नागौर कोटा व बूंदी में बारिश होने की उम्मीद जताई थी मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी कुछ जिलों में सही साबित हुई जोधपुर में मासूम हिमांशु प्रजापत की हत्या के बाद परिजनों और क्षेत्रवासियों ने कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया उनकी मुख्य मांग मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की थी वहीं क्षेत्र में गमगीन माहौल होने के साथ ही लोगों ने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखे बाद में जिला कलेक्टर से मिलकर मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी में देने के लिए ज्ञापन सौंपा बीकानेर के भाक अनुपुर राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र की संस्थान प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आज आयोजन किया गया केंद्र निदेशक डॉक्टर आर्त बंधु साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में परिषद द्वारा मनोनीत विभिन्न संस्थानों के पदाधिकारियों ने भाग लिया इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र निदेशक डॉक्टर आर्त बंधु साहू ने समिति सदस्यों को केंद्र से जुड़ी गतिविधियों तथा इनकी प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया उन्होंने कहा कि संस्थान के कुशल प्रबंधन हेतु आवंटित निधि खर्च एवं कार्यो आदि को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध निष्पादन किया गया उन्होंने ऊँट को औषधि भंडार के तौर पर उपयोग में लाए जाने व उष्ठ पर्यटन क्षेत्र में विपुल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऊँट दौड़ गतिविधि को बढ़ावा देने तथा इस हेतु कैमल रेसिंग ट्रैक निर्माण की बात कही ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर में निजीकरण के विरोध एवं विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर, कर आंदोलन किया जा रहा है दो दिन बैंकों और फिर एक दिन साधारण बीमा कंपनियों में हड़ताल के बाद गुरुवार को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एल में हड़ताल रही इस दौरान सभी एल शाखाओं में अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर रहे उन्होंने सर्किट हाउस स्थित मुख्य मंडल प्रबंधक कार्यालय के बाहर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर, नारे कर प्रदर्शन किया उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जोधपुर मंडल के तत्वाधान में गुरुवार को रेलवे वर्कशॉप के पास स्थित सामुदायिक भवन में महिला रेलकर्मियों के लिए फागोत्सव का आयोजन किया गया इसमें महिला रेलकर्मियों ने फूलों से होली खेली मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे समारोह की मुख्य अतिथि थी, थी उन्होंने भी महिला रेलकर्मियों के साथ मंच पर नृत्य किया कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए जा रहे संदेश को साकार करते हुए सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी ने जोधपुर में राजकीय अंधविद्यालय में नेत्रहीन विद्यार्थियों को मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंस की पालना का संदेश दिया इस जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने खुद नेत्रहीन विद्यार्थियों के मास्क लगाए जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा के साथ मिलकर राजपूत समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप का अपमान करने पर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने पावटा चौराहा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का पुतला फूंका और नारेबाजी की काजरी जोधपुर द्वारा ओसिया तहसील के गांव सिरमंडी रावतनगर में बीज दिवस एवं किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काजरी निदेशक डॉ ओपी यादव ने किसानों को उत्तम बीजों के उपयोग के लिए प्रेरित किया प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आर के कांकानी ने जीरे के उन्नत किस्मों एवं उन्नत कृषि विधियों के बारे में जानकारी दी जोधपुर में ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर गौशाला में गुरुवार से भागवत कथा शुरू हो गई इससे पहले कलश शोभा यात्रा निकाली गई जो राधा नारायण कृष्ण मंदिर से रवाना होकर कथा स्थल तक पहुंची इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए साथ ही डीजे व बैंड बाजे की मधुर पारंपरिक भजन व गीतों की धुनों पर नृत्य किया तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ एस बी डी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें